Welcome back friends. In this video, I'll share how to change the voice of models and semi-models. इनका voice change कैसे करते हैं वो हम देखेंगे. Models आपको पता होगा जिनसे possibility का पता चलता है या obligation का पता चलता है, necessity का पता चलता है और जो subject के number और person के अनुसार नहीं बदलते हैं, है ना. Semi-models क्या होते हैं, जो कि कुछ केसेस में मॉडल्स की तरह एक्ट करते हैं लेकिन सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी मॉडल्स की नहीं होती है. कुछ केस में वो मेन वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं. दोनों के पैसिव बनाने का तरीका एक ही होता है, इसलिए हम यहाँ वीडियो में दोनों का पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे. देखिए, कुछ मॉडल्स एंड सेमी मॉडल वर्ब्स को मैंने सेलेक्ट किया है जो हम यहाँ यूज़ करेंगे. विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट. ये सारे क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं. और ought to, need एंड used to, ये तीनों सेमी मॉडल वर्ब्स हैं. तो आइए हम इनका देखते हैं चेंज ऑफ वॉइस. सी कंडीशन वन, एक्टिव का सेंटेंस देखिए. सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लाएंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट को ले जाएंगे, जो जनरल रूल है हमने बहुत बार पढ़ाया है दूसरे वीडियोस में. उसके बाद फिर मॉडल लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद, देन बी लगाएंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, एंड देन बाय और देन सब्जेक्ट. तो आप देखेंगे कि जब भी मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा तो वैसे केसेस में हम पैसिव बनाने के लिए मॉडल के बाद बी लगाएंगे और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और जनरल रूल जैसे एप्लीकेबल होता है वैसे ही होगा. देखिए एग्जांपल, शी यूज़ टू राइट पोएम्स, मतलब वह कविता लिखा करती थी. तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, पोएम्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, उसको सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाएंगे. पोएम्स यूज़ टू बी रिटन बाय हर, शी ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर हर बन जाएगा. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर हियर, V1 को हम मेन फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं. ये आपको याद रखना है क्योंकि V1, V2, V3, V4 या V5 ये हम अपनी कन्वीनियंस के अनुसार उनको बोलते हैं, उनका ये प्रॉपर नाम नहीं है. इसलिए आपको हर फॉर्म का वर्ब के एक नाम याद रखना है, जो प्रॉपर उनका नाम है वो आपको याद रखना है. लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स. सी द फर्स्ट वन हियर, आई मे कॉल हिम, मतलब मैं उसे बुला सकती हूँ. पैसिव कैसे बनाएंगे, हिम है ऑब्जेक्ट फॉर्म में जो सब्जेक्ट में आकर ही हो जाएगा. ही मे बी कॉल्ड बाई मी, मतलब मॉडल के बाद हमने बी लगाया और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करके पैसिव बना लिया. इसी तरह सारे केसेस में हम देखेंगे. देखिए, यू शुड लर्न दिस लेसन, मतलब आपको यह पाठ याद करना चाहिए. देखिए, दिस लेसन शुड बी लर्नड बाई यू, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड होता है. नेक्स्ट केस देखिए, ही माइट वियर अ न्यू जैकेट, वह एक नया जैकेट पहन सकता है. माइट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, है ना. तो देखिए पैसिव फॉर्म, अ न्यू जैकेट माइट बी वॉर्न बाई हिम. सी द नेक्स्ट, यू विल लॉक द ड्रॉअर, पैसिव बनाएंगे द ड्रॉअर, सब्जेक्ट में भी द ड्रॉअर रह जाएगा, नाउन है. द ड्रॉअर विल बी लॉक्ड बाई यू. तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे कि जब भी मॉडल के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है एक्टिव में, तो हम पैसिव में मॉडल के बाद बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव बना देंगे. सी सम मोर एग्जांपल्स हियर, आई कुड डिलीवर दैट स्पीच, मतलब मैं वह भाषण बोल सकता था या मैं वह भाषण दे सकता था. पैसिव कैसे बनाएंगे, दैट स्पीच कुड बी डिलीवर्ड बाई मी, आई ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर मी हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, राहुल वुड सिंग अ सॉन्ग, क्या मतलब हुआ, राहुल एक गाना गाता. तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, अ सॉन्ग वुड बी संग बाई
राहुल। आपको ध्यान रखना है कि वॉइस चेंज में हम टेंस का चेंज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नरेशन जब बनाते हैं तब हम टेंस में चेंज करते हैं, लेकिन वॉइस में टेंस का चेंज नहीं होता है, इसलिए वुड ही रहेगा। आप यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, शी नीड्स टू वॉच दिस वीडियो, मतलब उसको यह वीडियो देखने की ज़रूरत है। देखिए कैसे बनाएंगे, दिस वीडियो नीड्स टू बी वॉच्ड बाई हर। यहाँ नीड्स देखिए, ये सेमी मॉडल है, सेमी मॉडल मैंने जैसा बताया, यहाँ पे सेमी मॉडल किसकी तरह एक्ट कर रहा है, मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे शी के साथ नीड्स मैंने लगाया है, अगर दे रहता तो नीड लगता, तो नीड यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, He ought to know some facts, मतलब उसको कुछ सच्चाई जाननी चाहिए। यहाँ moral obligation की बात हो रही है। देखिए passive कैसे बनाएंगे, Some facts ought to be known to him। यहाँ देखेंगे आप कि हमने by की जगह पर to का प्रयोग किया है, तो कुछ ऐसे verbs होते हैं जिनका जब हम passive बनाते हैं तो by preposition ना यूज़ करके कुछ और प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर उसको देख सकते हैं। नाउ सी द सेकंड कंडीशन हियर, एक्टिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जब मॉडल के साथ हैव लगा हो तो उस केस में हम कैसे बनाएंगे पैसिव। देखिए जनरल रूल फॉलो होगा एक्सचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल लगाएंगे, फिर हैव, फिर बीन लगा के और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, है ना। तो ऐसे हम बनाते हैं जबकि मॉडल के साथ हैव लगा हो। तो आप ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी मॉडल के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो हम बीन लगाकर उनका पैसिव बनाते हैं। पिछले कंडीशन में हमने देखा कि मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ था तो हम बी लगाकर उसका पैसिव बनाए थे, लेकिन इस कंडीशन में मॉडल के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है तो हम बीन लगाकर उसका पैसिव बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, आई मस्ट हैव टॉट दिस टॉपिक, मैंने ये टॉपिक अवश्य पढ़ाया होगा, तो इसका पैसिव देखिए, दिस टॉपिक मस्ट हैव बीन टॉट बाई मी। लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स, सी दिस, शी शुड हैव वॉश द क्लोज, मतलब उसे कपड़े धो लेना चाहिए था। पैसिव कैसे बनाते हैं, द क्लोज शुड हैव बीन वॉश्ड बाई हर। सी द नेक्स्ट, शी विल हैव टोल्ड अ स्टोरी, वह एक कहानी कह चुकी होगी। पैसिव देखिए, अ स्टोरी विल हैव बीन टोल्ड बाई हर। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, यू कुड हैव सॉल्व द पजल, मतलब तुम इस पहेली को सॉल्व कर सकते थे। पैसिव देखिए, द पजल कुड हैव बीन सॉल्व्ड बाई यू। तो आप देखेंगे कि सारे केसेस में हमने बीन लगाकर पैसिव बनाया है। नेक्स्ट देखिए, सरिता माइट हैव ईटन द ब्रेड, सरिता ब्रेड खा चुकी होगी, लेकिन यहाँ माइट क्या है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है ना। आपको सारे मॉडल वर्ब्स का ध्यान रखना है कि कौन एबिलिटी को शो करता है, कौन पॉसिबिलिटी को शो करता है, किससे मॉरल ऑब्लिगेशन का पता चलता है, किससे ड्यूटी का पता चलता है ना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो देखिए इसका पैसिव कैसे बनाते हैं, द ब्रेड माइट हैव बीन ईटन बाई सरिता। सो वी डिस्कस्ड हाउ टू चेंज द वॉइस ऑफ मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक। Till then.